बिहार में नियोजित शिक्षकों का संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है सरकार की सख्ती के बीच में। खबर है बिहार के सिवान से, जहां पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को आंदोलनकारी नियोजित शिक्षकों ने विरोध करते हुए घेर लिया। सिवान के रघुनाथपुर प्रखंड में जैसे ही मंत्री मंगल पांडे पहुंचे, शिक्षक उनकी गाड़ी के आगे सो गए। जिले भर से आए नियोजित शिक्षकों ने सभा स्थल के पास ही गाड़ी के आगे जमीन पर सोते हुए अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे। सभी शिक्षक नारेबाजी कर समान काम के लिए समान वेतन की मांग करते नजर आए। काफिला रुकने के बाद मंत्री मंगल पांडे ने सभी शिक्षकों को आश्वासन दिया कि आपकी मांगों पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने कहा कि आपकी मांगें जायज हैं। आपको बताते चले कि मंगल पांडे सिवान के रघुनाथपुर में पार्टी के नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान नियोजित शिक्षकों ने स्वास्थ्य मंत्री का घेराव कर अपनी बात रखी। आपको बताएं कि बिहार के नियोजित शिक्षक पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। बिहार के 70,000 के आसपास में सरकारी स्कूलों में ताला बंद है। बिहार में मैट्रिक की परीक्षाओं पर भी इसका असर दिख रहा है। तमाम चीजों के बीच में सरकार की सख्ती है कि वेतन रिलीज नहीं किया गया, तो दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों पर सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने कई जगहों पर शिक्षकों को बर्खास्त भी किया है। ऐसे में मंत्री का घेराव कर शिक्षकों ने अपनी बात रखने की कोशिश की है। लेकिन आपके राज्य में शिक्षक भूखे रहते हैं और हम लोग आपके राज्य में शिक्षक भूखे रहते हैं। आप अभिभावक है, दर दर के आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के देश में एक शिक्षा प्रणाली लागू हो, गरीब के बच्चों के लिए भी एक नियम बने, जिस तरह एक संविधान है, देश में एक शिक्षा प्रणाली लागू हो। हमको वेतन मान दीजिए न दीजिए, लेकिन गरीब का बच्चा का सिलेबस दूसरा, अमीर के बच्चा का सिलेबस दूसरा। न्यूज़ 4 नेशन के लिए सिवान से विजय की रिपोर्ट।